इस आजादी मार्च में जो हुआ है, जो बताया गया ना, आंखें फट जानी चाहिए और दिमाग खुल जाना चाहिए और करने के लिए रेडी हो जानी चाहिए। आजादी मार्च के लिए जोरदार तालियां। मेरी मदद करते हैं सुरेखा मार्च के लिए जोरदार तालियां इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इवेंट का और समीर मोदी जी का जोरदार तालियां। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जितनी जगह तालियां बजाओ उतनी इनको थैंक यू बोला जाता है। बहुत बहुत मुश्किल में आ जाता हूं जब भी टेस्ट, क्योंकि मेरी मदर का इंस्ट्रक्शन होता है भैया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मेरा पास्ट भी मोदी कह रहे हैं, प्रेजेंट भी मोदी कह रहे हैं और फ्यूचर भी मोदी कह रहे हैं। दोस्तों बहुत लकी हूं, ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ गई थी लाइफ में। जब जवान हो जाते हैं पहले कई लोग ठोकरें खा चुके होते हैं, थक गए होते हैं, कुछ जिंदगी में नया ढूंढ रहे होते हैं, तब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है। बट मेरे साथ बहुत लकी वैसा नहीं था। 1.5-2 साल का था तब घर चल के अपॉर्चुनिटी आई और मेरे घर वालों को बताया गया इसके बारे में। और जो सुनाया गया ना, मेरे को विश्वास नहीं करता मैं कभी कभार कि इन्होंने मान कैसे लिया। इनको बताया गया कि एक नए तरीके का बिजनेस है। अभी तक तो इससे किसी ने 2 रुपए भी नहीं कमाए, कोई सफल नहीं हुआ है, 14 दिन पुरानी कंपनी है। बट देश विदेश में ना ऐसा ही काम करके लोगों ने अरबों खरबों कमा लिए है, अपने सपने पूरे कर लिए, जिंदगी उन्होंने अपनी सेट कर ली है और उन्होंने ये सुन के इस बिजनेस को हा बोल दिया। मेरे दादाजी जो अपने 25-30 साल काम को दे चुके थे, बिजनेस करे थे, जॉब करी थी, उन्होंने बोल दिया था कि भैया तुम्हारे को पढ़ा लिखा तो मैंने दिया है बट मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस तुम्हारे लिए खड़ा कर सकूं, तुम्हारे को दे सकूं। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि ये जो बिजनेस है ना, कोई भी 10-15 करोड़ रुपए की मैकडोनल्ड या डोमिनोज की फ्रेंचाइजी से ज्यादा पैसा दे सकता है बिजनेस को। उस विजन के लिए जोरदार तालियां। और यही समझ के यही जान के कि किसी और बिजनेस के लिए तो पैसा नहीं है और अगर बाहर कोई गोरा कर सकता है तो हम हिंदुस्तानी किसी से कम है, ये सोच के मेरे घर वाले इसके अंदर लग गए, अपने डू ऑर डाई एटीट्यूड के साथ लग गए। और वहां चलो एक सफलता की कहानी, लगे रहे इस बिजनेस के अंदर। जो ये सीढ़ियां आपको दिखाई है ना, वो इन्होंने जिंदगी भर चढ़ी, जिंदगी भर उतरी, लोगों से भी चढ़ाई, लोगों से भी उतरवाई और यही करते करते दोस्तों सफलता पाते गए। सिर्फ इन्होंने सफलता नहीं पाई, हजारों लाखों हिंदुस्तानियों आज सफलता पा चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, इस मोदी केयर के प्लेटफॉर्म की वजह से। मोदी केयर के लिए जोरदार तालियां। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हुआ भैया हम भी बड़े हुए, घर में पढ़ाई लिखाई को काफी महत्व दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेरी मदर PhD अकाउंट्स में पापा CA थे तो बेहद जाहिर सी बात थी कि हमारे को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो पढ़ाई लिखाई करी, ग्रेजुएशन करी, बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करा और फिर वही जो हर एक यूथ करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और एक बहुत अच्छी नेशनल पोजीशन की जॉब, एक MNC में नेशनल पोजीशन की जॉब पे लग गया। बहुत लकी हूं कि जिस घर में मैं बॉर्न हुआ मेरे को उन्होंने काबिल बनाया, पढ़ाई लिखाई करवाई और 24-23 साल की उम्र में ऐसी नौकरी मिल गई ना जो लोगों का सपना होता है। हर यूथ ये चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि यार ऐसी नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए। एक MNC के लिए, एक वाइट बुक सी कंपनी के लिए नेशनल अकाउंट में संभाला करता था, इज्जत थी, पैसा था, सब कुछ था, बट उस किस्मत उस कंपनी वालों की खराब थी कि उनको नहीं पता था कि मेरे को पता था कि मोदी केयर जैसा कुछ है। मेरे को पता था ये बंदा महीने के लाखों देके पागल बना रहा है, एक ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने महीने के करोड़ों में काम कर सकता हूं, एक ऐसा तरीका है। यार जॉब में मैं अपने लिए तो बहुत अच्छा कर लूंगा, अपने तो शायद से जितनी सैलरी दे रहे हो वो सपने तो पूरे कर लूंगा बट ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर पाऊंगा जहां जो सपना है उसको पूरा करने के लिए कमा पाऊंगा। ऐसा एक बिजनेस है जहां पर खुद के ही दूसरों के सपनों पर नहीं काम कर पाऊंगा। तो इसीलिए फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर हूं। जब से आओ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जनवरी 2020 में फुल टाइम ज्वाइन करा दोस्तों, उसके बाद लॉकडाउन लग गया,
जिंदगी भर यही सीखा था भैया कि घर के बाहर निकलोगे तो ये बिजनेस होगा, लोगों से मिलोगे तो ये बिजनेस होगा। बचपन से यही सीखा था कि मीटिंग में ये बिजनेस होगा। एक नई तरीके से हमारे को बिजनेस करना सीखना पड़ा, नई तरीके से बिजनेस करना पड़ा, उसमें बहुत मजा आया। और अब जो नया आया है मेरे ज्वाइन करने के 2 साल बाद जो नया है उसके अंदर तो बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों समीर मोदी ग्लोबल बैंक के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखो ये बात बड़ी सिंपल है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो कि यार ये क्या प्लान क्या है, ये अगर कंफ्यूजन लग रहा हो ना, तो एक बहुत शानदार बात बताता हूँ। 2004 में मेरे घर में पहली मर्सिडीज आई थी सी प्लस की 3200 रुपए की। उसके बाद 2013 में एक दूसरी मर्सिडीज आई, वो 95 लाख रुपीज की मर्सिडीज जीएल थी। उसके बाद फिर 2016 में एक मर्सिडीज एस क्लास आई, 30 साली की सारी मर्सिडीज जो आगे वाली थी वो 1.5 करोड़ की थी, 30 साली की सारी मर्सिडीज थी। बस लंबी होती गई, चौड़ी होती गई, तेज होती गई, ज्यादा कंफर्टेबल होती गई, बट 30 साली की सारी मर्सिडीज थी। वो हमारे प्लान है बड़े होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं, बट सबके सब मर्सिडीज ही है। ये तो मर्सिडीज दे सकते हैं आपको, मर्सिडीज मिली है तो। इसको ओन करना है, अपना बनाना है। एकमात्र तरीका है इस बिजनेस से दोस्तों सफलता पाने का, अगर आप इस बिजनेस को खुद का समझते हो तो आप सफल हो जाओगे। अगर खुद का मानते हो तो सफल हो जाओगे इसके अंदर, ना किसी के ऊपर निर्भर रहोगे, ना किसी का इंतजार करोगे। अपनी गर्दन जब दांव पे लगा दोगे ना, अपनी नाक और अपनी गर्दन दोनों जब इस बिजनेस के लिए लगा दोगे ना, तो इसके अंदर सफल हो जाओगे। मेरे को पता है मुश्किल होता है, हम पैसे तो मांगते हैं नहीं, किसी ने आपसे लाखों करोड़ रुपए तो मांगे हैं नहीं, किसी ने आपको ऑफिस सेटअप करने के लिए बोला, कुछ भी दाओ फिर भी बोलता है मालिक बनना तो मुश्किल होता है। बट सच्ची बताओ दोस्तों, जो मालिक बनता है ना वो यहाँ सफल होता है। आज मैं नाम नहीं लूंगा, बट हमारे जीवीडी मेरे को बोल रहे थे कि इनके 20-25 टिकट ले लेंगे, फिर 5 साल कम होते हैं तो हमारे को वापस पकड़ा के चले जाते हैं, हमारे को वो बैर करना पड़ता है। बन कर उनको बोलो सर आप अपने पास रख लेते हो और अप्लाई को नहीं बोलते ना, तभी आप जीवीडी और वो नहीं है, क्योंकि आप ऑन कर लेते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो आप जीवीडी हो। और अगर आप ऑन कर लोगे ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप ईआरडीडी बन सकते हो। आखिरी बात कहूंगा, मेरे पहले से जब ये बिजनेस ज्वाइन करा था ना, बंद आंखों से भी सपने थे, खुली आंखों से भी सपने थे, किसी ने सफलता नहीं देखी थी। आप अपनी बंद आंखों के सपने देखो, उन पे मेहनत करो, खुली आंखों से सफलता यहाँ पर मोदी कर आपको दिखा रहे हैं, उसके अंदर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ, सपनों पे काम करते जाओ, अटल विश्वास रखो इस बिजनेस के अंदर, अपने खुद के अंदर, और ऑल सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों।